आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेजोन पे वॉलेट को यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र करना, मोबाइल रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, साथ ही आप ढेर सारा कैशबैक कैसे जीत सकते हैं अमेजोन पे से, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अमेजोन को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, हम इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे यदि आपका पहले से कोई अमेजोन में अकाउंट है तो आप ऑलरेडी ये कस्टमर साइन इन पे क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड डाल के या OTP से आप लॉगिन हो जाएंगे। ओके, और यदि आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप न्यू टू अमेजोन एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे आप, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। ओके, और यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और आप OTP वहाँ पे डाल देंगे और आप अमेजोन में लॉगिन हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपका अकाउंट अमेजोन में सक्सेसफुली बन चुका है। अब यहाँ पे आप ऊपर साइड में 3 लाइन देख सकते हैं, आप इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अमेजोन पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अमेजोन पे के वॉलेट में आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं अमेजोन पे बैलेंस, आपका अमेजोन के वॉलेट में जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होगा। आप साइड में देख सकते हैं अमेजोन पे UPI, आप इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को अमेजोन से लिंक कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या रहेगा कि आप अपनी सिम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS जाएगा जिसके लिए आपके मोबाइल नंबर में 150 रुपये का बैलेंस होना चाहिए या कोई फ्री SMS पैक होना चाहिए। ओके, और फिर ये आपके बैंक अकाउंट को फैच कर लेगा और फिर उसके बाद में आपको अपनी एक UPI पिन बना देना है अपना, क्योंकि कहीं भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पिन की आपको ज़रूरत रहती है। ओके, तो इस टाइप से आप अपने बैंक अकाउंट को अमेजोन पे से लिंक कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अमेजोन पे के वॉलेट में पैसे ऐड कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे अमेजोन पे बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी पैसे आप ऐड करना चाहते हैं वो टाइप करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और आप अपनी UPI ID से भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड मनी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टू UPI ID, यदि आप किसी की UPI ID पे पैसे सेंड करना चाहते हैं तो आप UPI ID पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस पर्सन की UPI ID टाइप करेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पैसे सेंड कर सकते हैं उसे। ओके, और आप मोबाइल नंबर पे करना चाहते हैं तो आप टू फोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करना चाहते हैं टू बैंक पे क्लिक करेंगे। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप अपने बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना UPI पिन टाइप करेंगे और यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस शो हो जाएगा। ओके, और यदि आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे आप अपना टाइप करेंगे कि आपका नंबर कहाँ से है, जैसे मध्य प्रदेश से है या फिर राजस्थान से ऐसा, और यहाँ पे आप अपना प्लान सेलेक्ट करेंगे कि आप कितने का रिचार्ज करना चाहते हैं और पे कर देंगे और उसके बाद में आप अपनी UPI पिन डाल के रिचार्ज सक्सेसफुली कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप अपनी UPI से रिचार्ज करेंगे तो स्टार्ट में आपको 50 रुपये का फ्लैट कैशबैक मिलता है आपके वॉलेट में। ओके, तो इस टाइप से आप कैशबैक जीत सकते हैं रिचार्ज करके। ओके, और यहाँ पे यदि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना एक स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, हम MP मध्य प्रदेश विद्युत रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप अपना IBRS नंबर टाइप करेंगे जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है और यहाँ पे फैच बिल पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ऑफर चल रहा है, यदि आप यहाँ पे करते हैं तो आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलता है। ओके, तो इस टाइप से आपको कैशबैक मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये स्कैन का ऑप्शन दिखा रहा है, स्कैन एंड पे, आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे किसी भी QR कोड को स्कैन करके उस पे पेमेंट कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे योर रिवार्ड्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से कैशबैक मिल रहे हैं अभी। अब यदि आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी से किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 100 रुपये तक का कैशबैक यहाँ पे मिल सकता है। किसी का क्यूआर कोड स्कैन करके उस पर पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। ऐसे सब पे यहाँ पे कैशबैक मिलते रहते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, और यदि आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनवाइट योर फ्रेंड्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी लिंक को किसी भी फ्रेंड को शेयर करेंगे। ओके, इनवाइट ऑन व्हाट्सएप, आप अपने व्हाट्सएप पे ये लिंक सेंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इनवाइट ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेंगे, और जिस भी पर्सन को आप सेंड करना चाहते हैं ये लिंक, उस पर्सन को सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे आप सेंड कर चुके हैं। ओके, अब आपका वो फ्रेंड इस लिंक पे क्लिक करके अमेजोन में अपना अकाउंट बनाता है। ओके, या उसका अकाउंट पहले से भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने अमेजोन पे के वॉलेट में अपने बैंक अकाउंट को लिंक करता है और किसी को भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करता है, भले ही वो 1 रुपये ट्रांसफ़र कर दे किसी को भी, तो आपको 31 रुपये का कैशबैक मिलेगा और उसको भी 31 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ओके, और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजोन पे का लिंक दे दिया है। यदि आप उस लिंक पे क्लिक करके अमेजोन को डाउनलोड करते हैं और उस पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं, और यदि आपका अकाउंट अमेजोन पे पहले से बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप उसमें फिर अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं अमेजोन पे से और किसी को भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, भले ही आप 1 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दें, तो आपको 31 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ओके, और यदि आपको इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल्स में बताया हुआ है कि आप 31 रुपये का कैशबैक कैसे कमा सकते हैं और आप बहुत सारा कैशबैक कैसे कमा सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके, और यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।